वैसा 3 किलोमीटर है। ये आ गई हमारी, ये हमारी आ गई बिरयानी। सब्सक्राइब बटन मुंह पे दे देंगे चोको। बोलो ओके, लाइक एंड थंबनेल। टोको टोको टोको। दोस्तों हमें अभी नीचे एक नदी दिखी और हमने सोचा कि हमें नहाना चाहिए। चलो मुझे लगता है आंटी आप पहले भी ट्रैक कर चुके हैं कई सारे। पहला ट्रैक है आपका ये तुंगनाथ का? तो भाई यार सूरज देवता बस प्रसन्न हो जाए और थोड़ी सी बारिश को रोक दें। भाई जनवरी का महीना आ गया है पहाड़ों के अंदर। वो पहुंच गया है पिलखवा और सुमित भाई के पास। बस थोड़े से दोस्तों आज 5 किलोमीटर की दूरी रह गई है, वहाँ से घर पहुँचने वाले हैं जो कि पंच केदार में से सीधा आना है। तो मेरे साथ जा रहे हैं सुमित शर्मा जो कि मेरे सगुन डेरी। अभी मैं जा रहा हूँ सुमित शर्मा को सेंटर में पार्क करके छोड़ दिया। पिलखवा से पिक सगुन डेरी आ गई। सगुन डेरी तुंगनाथ के लिए काफ़ी मस्त ये सफ़र रहने वाला है। तो आप इस भाई लोगों अभी हम पहुंच गए मतलब मेरठ एक्सप्रेस वे पे और लखवा से ऑलमोस्ट निकल गए थे अभी 20 मिनट पहले। और यहाँ से मेरठ की जो अभी दूरी है वो 20 किलोमीटर। मेरठ पहुँच के चाय पीते हैं और मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है और अभी बज रहे हैं 11:15। तो मेरठ ऑलमोस्ट हम पहुँच जाएंगे 11:15 तक। वहाँ पहुँच के चाय पर हम आपसे बात करते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी मेरठ और अभी हम पीते हैं बस चाय। बहुत मुझे नींद आ रही है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। गाइस चाय पी ली है तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं मेरठ से। तो अब स्टॉप हम खा लेंगे बहुत। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं मुजफ्फरनगर और एक चाय और पीनी थी और थोड़ी सी भूख लग रही है। तो सुमित घर से खाना बनवा के लाया था तो वही हम खाना अभी खाने वाले हैं। पूरी है और आलू की सब्जी है बहुत। तो गाइस अभी बज रहे हैं 2 और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आधे घंटे के लिए सो गया था। तो सुमित कह रहा था कि तू बहुत खर्राटे मार रहा था। तो सुमित मैं कैसे ले रहा था खर्राटे। तो भाई यहाँ से निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ से ऋषिकेश 104 है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश और ऑलमोस्ट अभी 4 बज रहे हैं। और मतलब हम सोचा था कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे बट अभी नींद नहीं आ रही है। तो हमने सोचा कि यार प्लान ऑफ एक्शन में कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम जा रहे हैं आप क्या कहते हैं तुंगनाथ। सुमित भाई कैसा लग रहा है मेरे साथ आज आपको ट्रैवल करके? नहीं मुझे नेचर देख के बड़ी खुशी हो रही है। नेचर ऐसा होता है फर्स्ट टाइम में आया हूँ। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अभी तक का और आगे महादेव की कृपा रहेगी तो और बढ़िया रहेगा। बिल्कुल मानी दोस्तों। तो अभी ऑलमोस्ट हमने जो सफ़र पूरा किया है 230 किलोमीटर का। तो गाइस मॉर्निंग व्यू देखिए यार कितना प्यारा लग रहा है और बादल बिल्कुल नीचे हैं और काफ़ी बढ़िया मतलब एकदम मस्त लग रहा है यहाँ पे। और ये देखिए खाई खाई खाई। और सुमित को मैंने छोड़ दिया है। सुमित कह रहा है कि मैं लिफ्ट लेके आ जाऊँगा बता भी उसको लेने जाऊँगा। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं 125 एक्सट्रीम की यार काफ़ी नाइस बाइक है। तो मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं 125 इंजन की बाइक चला रहा हूँ पहाड़ों पे। तो आई थिंक मतलब यूट्यूब पे अभी तक क्या कहते हैं किसी ने भी ब्लॉग नहीं बनाया एक्सट्रीम कोई तुंगनाथ अभी तक गई नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे लेकिन एक्सट्रीम का कोई ब्लॉग नहीं देखा जो तुंगनाथ गई हो। भाई जनवरी का महीना आ गया है पहाड़ों के अंदर। तो यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कभी भी आ जाते हैं। अभी कुछ देर बाद देखना कि ये तो खुल जाएगा। देखिए फॉगी फॉग है। तो दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं देवप्रयाग के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं वैसे तो आपको देखा ही होगा केदारनाथ गया था मैं बद्रीनाथ गया था उस टाइम आपको दिखाया था। फिर से एक बार दर्शन करा देता हूँ। सुमित भाई को यह पहला एक्सपीरियंस होगा कि ये 2 नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी और फॉर्म हो जाता है गंगा का उसके साथ। उतरिए सुमित जी। और ये देखिए भाई उधर से आ रही है आपकी भागीरथी और ये है आपकी अलकनंदा और मिलके बन जाती है गंगा। तो मैं तो ये तीसरी बार देख रहा हूँ। तो नीचे मंदिर है कोटेश्वर महादेव आई थिंक है ना। और काफ़ी प्यारा नज़ारा है ये बहुत ही
प्यारा नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं थाई देवी टेम्पल, और थाई देवी टेम्पल को बोला जाता है कि उत्तराखंड की मतलब संरक्षक बोला जाता है इनको। तो पूरे उत्तराखंड की ये रक्षा करती हैं, बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये थाई देवी टेम्पल है, और मॉर्निंग में उन्होंने ओनली चाय पी थी और एक फैन खाया था, तो अभी भूख लग रही है तो कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। नींद भी आ रही है तो मुंह हाथ करके इधर के अंदर निकलते हैं। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर रह चुका है। सोए नहीं थे तो मैं तो जगा हुआ, लेकिन सुमित को भी आ रही थी तो सुमित कभी कावर में खो रहा है। यहाँ से अभी रास्ता बाकी हुआ है 77 किलोमीटर का, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लगेंगे, 11 बज चुके हैं, तो 1 बजे तक हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो भाई लोगों गाड़ी स्टार्ट कर दी है और अभी बज रहे हैं 11:19। तो भाई निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। आई थिंक ये रास्ता जाएगा आपका चौपता की तरफ, देखते हैं अभी। चौपता ये वाला जाएगा ना, ऊपर वाला चौपता, चौपता यही जाएगा। अच्छा रुद्र प्रयाग से जाएगा, ओके ओके ओके। दोस्तों एक बात तो है यार, पहाड़ों के रास्ते ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जिस तरीके से ये टनल आप देख पा रहे हो ना, कितनी खूबसूरत लग रही है, पहाड़ों के बीच में से जा रही है ना, तो इस तरीके से ये मतलब मज़ा सा आ जाता है देख के यार। आगे लगा तो रहे हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे होगा लैंड स्लाइड। अभी कर नहीं रहे, गिरा है ऊपर से, जो गिर रहा है वो दोस्तों की हम किसी जंग पे जा रहे हैं और वो जंग ना पूरी नहीं हो रही है और दुश्मन नहीं मिल रहा है। दुश्मन कौन है? ऑलमोस्ट अभी 22 किलोमीटर का सफर बाकी है और बहुत ही मजा आ रहा है यार। ठंडा मौसम हो चुका है और मतलब इवनिंग वाला मौसम हो गया यार, टाइम थोड़ा सवा 2 आंखों से हटाया चश्मा आगे को मिला और दुनिया वाले उठाओ जी वो टैली को उठाओ जी। सर इन लोग की बात उनसे करवाओ, हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आप। तो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं नाक की तरफ, तो हमें कुछ दोस्त मिल गए जो कि दिल्ली से ही आए हैं, क्या कहते हैं बेसिकली ये भैया दिल्ली से आए हैं और ये आपके क्या कहते हैं, मैं तो इनके बगल में हूं भाई, मैं तो इनके बगल से ही हूं। तो ये लोग मतलब अपना मतलब सारा सेटअप लेके आए हैं, चाय का, मैगी का, हम लोग 150 रुपए की मैगी खा रहे हैं मतलब खरीद के, ये खुद बना रहे हैं और नो डाउट अच्छी बनी होगी मतलब, ठीक है। यहाँ तो मैगी खाई बेकार थी, तो काफी मतलब मजा आ रहा है। अभी देखते हैं ऊपर जाके मतलब रात का खाना टेंट भी बनेगा। तो इन्होंने हमें चाय ऑफर करी है और चाय गर्म है, चाय भी काफी मस्त है, मैगी भी अच्छी बनी है। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों हमें एक नदी मिली नीचे करने के बाद, और सुबह से हम नहाए नहीं है, कल से हम घूम ही रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी स्नान कर चुके हैं, तो अभी हम खाना बनाएंगे। और एक्चुअली क्या है ना, ये लोग अभी मैम मिले हैं और काफ़ी अच्छी खुशी हो गई है, तो ये लोग घूमना चाह रहे हैं तो हम घूमना चाह रहे हैं, तो ये लोग अपना सारा कुछ पैकिंग का और सारा सामान लेके आए खाने पीने का, तो अभी खाना बनाते हैं तो खाते हैं और आपको भी खाते हैं, बहुत मज़ा। तो भाई लोगों अभी हम क्या कहते हैं सब्जी काट रहे हैं, देन उसके बाद तहरी बनाएंगे, और तहरी बनाऊंगा मैं,
टाइल बनाने में एक्सपर्ट हैं हम, एकदम बेहतरीन टाइल बनाएंगे। अभी क्या कहते हैं पानी लेके आना पड़ रहा है, सब्जी कट जाएगी दिन छौका लगाते हैं फिर टाइल फट से रेडी। किसने ठोका ठोका है, तो भाई लोगों अभी क्या कहते हैं मतलब तैयारी चढ़ा दी है और ऑलमोस्ट 10 मिनट में बन जाएगी, सीटी आएंगी 2 या 3 और देखते हैं तैयारी का टेस्ट कैसा है। मैंने बनाई है तो भाई इन लोगों को टेस्ट कैसा लगा, कैसे लगता है। तो भाई लोगों काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है तैयारी का, अभी देखते हैं खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, खा के देखते हैं कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है और आपको बताते हैं। भाई बहुत ही मस्त लग रही है देखने में। ये हमारी महाराज खाना दे रहे हैं, महाराज राधिकार। ये है तेज पत्ती, कैसी बनी है? बढ़िया बनी है भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब बेहतरीन, जादू ही कह रहे। घर में बनता है ना वैसे ही बने, एकदम मजा आ गया। तो दोस्तों लंच कर लिया है, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं टूनल की तरफ बाबा से के मिलने। बट यार ये ब्लॉग बहुत मस्त जा रहा है, अभी तक की जर्नी ना बेस्ट रही है, आगे की और भी बेस्ट रहेगी, तो देखते हैं अभी आगे और क्या क्या हो जाएगा। अभी तो हमने क्या कहते हैं खाना बनाया, ऊपर देखते हैं क्या हम बनाएंगे। तो हम क्या कहते हैं अभी ये चौपे वाले क्या कहते हैं रास्ते पे आ गए हैं, और क्या कहते हैं ये रास्ता बहुत नैरो है और पहली बार मैं रास्ते पे आया हूँ, थोड़ा सा मतलब यहाँ कोई लोग ज़्यादा जा नहीं रहे यार, बहुत मतलब सुनसान रास्ता है। और अभी हमें कोई यहाँ पे रास्ते पे दिखाई नहीं दे रहा, कोई आता हुआ ना नहीं जाता पूरा, मतलब अभी रह गया, मतलब ये ना बहुत ऊंचाई पर है थोड़ा, तो बाइक को थोड़ा सा खींचने में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यार 125 इंजन है, बट यार अच्छा परफॉर्मेंस है बाइक का। पानी बहता हुआ, पीने योग्य पानी, नहाने योग्य पानी। तो पैसे जो है ना नज़ारे के होते हैं, वो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए नज़ारा। ऑलमोस्ट हम ना ऊपर जस्ट चढ़ते जा रहे हैं और नीचे खाई बस बढ़ती जा रही है। हम वहाँ नीचे से आए थे पता है आपको, वहाँ नीचे से, तो ये चढ़ाई बिल्कुल मतलब अप हील है यार, बहुत अप हील है। टाइम लगेगा ना, कुछ लिख तो दे ऊपर, एक सेकंड उतर इसे आरसी में डाल दे। तो भाई ये देखिए सामने का नज़ारा देखिए एक बार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है, और हम ऑलमोस्ट वो जो नदी आ रही है ना वहाँ से ऊपर आए और अभी भी ऊपर ही जाना है, तो महादेव बहुत ऊंचाई पर बसे हुए हैं। तो चलते हैं और आपको भी रास्ते के अनुभव कराते हैं। भाई हम ना गलत रास्ते पे आ गए, ऊपर थोड़ा सा 1 किलोमीटर हमें उस लेफ्ट लेना था, हमने राइट ले लिया, और ये बेचारी अपनी खड़ी है। मोहिनी क्या हाल चाल है बेटा, चलो चलते हैं। भाई इन मैम की वो पोस्ट मतलब तुम्हारी हिम्मत बड़ी देख के नहीं नहीं वही तो कपड़ा से बोले। तो भाई नीचे से मतलब काफी मतलब वो रास्ता ऐसा था नैरो और मतलब बहुत पथरीला था, ऑफ रोड उगरा, और हम गलत रास्ते भी चले गए थे, बट अब रास्ता कुछ अच्छा सा दिख रहा है, और ये रेलिंग लगी हुई है इसके अंदर, और यहाँ लोग भीड़ भी दिख रही है मुझे अब, और ये वाटर क्रॉसिंग हमें करनी है अभी, बट रास्ता बहुत प्यारा और थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। बहुत रुक जा, उतर तू, उतर जा। भाई लोगों मैं तो इस रास्ते को नापते थक चुका हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है रास्ता, ऊपर से और मतलब हर्डल्स आ रहे हैं, खतरनाक रास्ता है यार। चौपता 31 भीरी 13 किलोमीटर लेना है,
तो वो पड़ेगा आपको 35-40 का पड़ेगा। हाँ वही है मैंने भी तो भाई यार इस रास्ते में तो बहुत थका दिया यार बहुत ज़्यादा। इस रास्ते से आ रहे थे लेकिन हमें सामने ना एक तरह का कुछ एक वॉटरफॉल मिला है इस तरीके से। ओ भाई बहुत शानदार है यार, बहुत शानदार है, दूध सागर लग रहा है, कुदरत का नजारा है भाई एकदम बढ़िया। क्या हाल चाल है भाइयों, कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली। मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ से? केशवपुर। मैं वैशाली आ गया। हाँ तुम ना क्या बाइक पे तो मजा आता है, बाइक ही करता हूँ बोलते ना। अच्छा अच्छा हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। चलो भाई केक काटेंगे ऊपर, भाई का केक है ये, ऊपर काटेंगे भाई का केक। तो भाई लोगों ऊपर हम आ चुके हैं तुंगनाथ टेंपल के, मतलब अभी हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी है ना हम लोग यही कह रहे थे कि बारिश नहीं हो रही तो नीचे ना बारिश मिली बहुत अच्छी वाली, तो हम लोगों ने रेनकोट निकाले और अभी हमने ना ठंडे कपड़े पहन लिए क्योंकि यहाँ पर ठंड थोड़ी सी हो रही है। तो अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 4 और 2 घंटे का सारा सफ़र है, 3 या 4 किलोमीटर का ट्रैक है। तो हमारी टीम मतलब आप देख ही रहे, ये लोग अपने दोस्त बन चुके हैं, तो इन लोगों के साथ हम ऊपर जा रहे हैं और भूख लगी थोड़ी सी, तो देखते हैं अभी क्या क्या ऊपर कैसा है ट्रैक कैसा नहीं है। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस लेते हैं, आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस लीजिए तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो मेरे साथ देखिए हर हर महादेव। तो दोस्तों ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये। ओके जय भोलेनाथ। अब देखते हैं कि कितने लोग मतलब इस ट्रैक को मतलब बिना रुके और बिना सांस फूले करते हैं, क्योंकि सांस तो फूलेगी सबकी फूलेगी। बट ये ना ट्रैक जो है पूरा अपहिल है क्योंकि ऐसा बिल्कुल फ्लैट नहीं है, अपहिल ट्रैक है पूरा, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 किलोमीटर का है लेकिन हवा निकाल देगा सच में। ऑलमोस्ट 100 मीटर ही मैं ट्रैक अभी करा होगा, तो भाई हवा थोड़ी सी टाइटा हो चुकी है। वैसा 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर समझ रहे हो आप, तो बहुत हवा निकल रही है मालूम पड़ रहा है, पूरा ट्रैक अब हिल है भाई, मजा आएगा। तो कुछ ये वर्ड्स हैं, देखते हैं कौन सी, हमें पता नहीं कौन कौन सी है। हिमालयन मोनल दिख जाए बस, ये तो दूर से दिख जाएगी। तो भाई 100 मीटर चलो, कुछ महसूस हो रहा है? हल्के-हल्के सांस फूल रही है। यार एक बात तो है, जब आप ट्रैक करते हो ना या आप पहाड़ों पे आते हो तो आपके फेस पे ना ऑटोमेटिक एक ग्लो ना जनरेट हो जाता है, जैसे कि मेरे फेस पे हो गया है। कल इवनिंग से बाइक चला रहा हूँ, आज मॉर्निंग चलाई, आफ्टरनून चलाई और अभी भी चला के आ रहा हूँ, उस टाइम बिल्कुल बेकार सा चेहरा हो रहा था और अभी कुछ भी नहीं किया है, बस मुंह वॉश किया है और
चेहरे पर ऑटोमेटिक ग्लो जनरेट हो गया। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई ट्रैक है जो कि अपहिल है तो आप लोगों को बहुत स्लोली स्लोली वॉक करना है और कुछ नहीं करना। अगर आप तेज तेज करोगे तो आप थक जाओगे, आप ट्रैक नहीं कर पाओगे सही से। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ट्रैक है, मेरा यार सुमित थक चुका है और वो बैठने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉपर आपकी बॉडी का एक टेस्ट हो रहा है कि आप कितने फिट हो कितने नहीं। होपफुली हम कर लेंगे। गज अगर हम ट्रैक की अगर हम बात करें तो ट्रैक कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए आप। बिल्कुल ऊपर हम चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। ये मैदान है खाली और पूरा फॉग लगा हुआ है, मौसम थोड़ा डिस्टर्ब है और हमको भी डिस्टर्ब कर रहा है, नज़ारे देखने को नहीं मिल रहे हैं। चलो भोलेनाथ की मर्ज़ी होगी तो देखने को मिलेंगे, वरना कोई बात नहीं, भोलेनाथ से मिल लेंगे। तो ये चंचला के बारे में लिखा हुआ है कि चंचला का प्रोडक्ट मैथ क्या है और क्या नहीं, वैदा दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी कि जिस तरीके से है ये, पढ़ लेना आप। और नज़ारे देखो यार, ये है नज़ारे, ये ऊपर ऐसे चढ़ के ऐसे 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 ऊपर तक वहाँ जाना है, चलते हैं। रास्ता ना ये वाला है, ये ऐसे करके बटन दो शॉर्टकट ले रहे हैं, सामने वाला वो वाला ऊपर लॉन्ग शॉर्टकट है, बहुत खतरनाक है, मज़ा आएगा, टू मच फन। ये दिख रहा आप क्या कहते हैं पहाड़, ये पहाड़ चढ़ के हमको पली तरफ जाना है, तो अभी हम शॉर्टकट ले रहे हैं। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज़ यार ट्रैक में ना आपकी एक तो फिजिकल टेस्ट होता है, आपकी स्किल्स चेक की जाती है, और अगर आप ट्रैक के शौकीन हो तो भाई ट्रैक तो करने ही पड़ेंगे। वैसे मैंने आज तक ट्रैक जो किया है नीलकंठ पर्वत का किया है, बसुधा वाटरफॉल का किया है, केदारनाथ किया है, और मैंने इसके अलावा नहीं किया। देन ये तुंगनाथ का ट्रैक है। तो दोस्तों मेरे यार सुमित की हालत ख़राब होती हुई, अब पता नहीं फिजिकल फिट तो है नहीं, मोटा हुआ चढ़ा हुआ है इनके शरीर पे, पता नहीं क्या करते हैं ये, सबसे नीचे है सबसे ऊपर थे। थैंक यू। कहना चाहोगे आप इस ट्रैक के बारे में और अपनी अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में? अच्छा भाई ये लोग ये ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है क्या कहते हैं ट्रैक को लेकर, और ये थक चुका है और कह रहा है कि मैं दर्शन करके आ चुका हूँ, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना होगा। सबसे पहले हम ही जाएंगे, सबसे पहले चढ़ा था भाई भाई भाग के, मुझे मालूम था थकेगा, आराम से चल रहा था स्लोली स्लोली, नहीं आप मेरे को चैंपियन बनना था, चंदू चैंपियन है ना वो भी टाटा फिश। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी हल्की है, तेज़ होने में पता नहीं कब तेज़ हो जाए, बिकॉज बादल हमारे ऊपर ही हैं, हमको छू रहे हैं, हम बादलों को छू रहे हैं। लग तो रहा है भाई, सब लोगों के ना रेनकोट निकल चुके हैं और बारिश बहुत मतलब हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, मतलब जिसमें आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और अच्छी खासी भी भीग सकते हो आप बारिश के अंदर। तो हमने सब रेनकोट पहन लिया है, ऑलमोस्ट सभी आधा रास्ता कवर हुआ है, घंटे के अंदर आधा और रह जाएगा, उसे भी कवर करते हैं, ऊपर पापा के पास पहुँचते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। मुझे लगता है आंटी आप पहले भी ट्रैक कर चुके हैं कई सारे, नहीं पहला ट्रैक है आपका ये? हाँ। तुंगनाथ का? हाँ। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? लग रहा है भाई मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन हम केदारनाथ उठ नहीं पाए, ये ज्यादा बुरा लग रहा है। केदारनाथ नहीं गए आप? नहीं हेलीपैड का। अच्छा 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 अच्छा, आपने शॉर्टकट ले लिया? आपने शॉर्टकट ले लिया। कहाँ से हो आप? ऐसे ऐसे कोलकाता से। कोलकाता से? दमदम इंडिया से। तो भाई यार सूरज देवता बस प्रसन्न हो जाएं और थोड़ी सी बारिश को रोक दें
और यार आसमान एकदम ना क्या लग रहा है यार, ये क्लाउड्स और ये सूरज, मजा आ गया यार देखे। तो भाई सफर स्टार्ट हुआ था हमारा 4 बजे और अभी बज रहे हैं 5:45, ऑलमोस्ट बाबा के पास हम पहुंच गए हैं। 400-500 मीटर की दूरी रह गई है अंटिल हम पहुंच ही गए। एडवेंचर ट्रैक था, बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आया ट्रैक को करने में, नज़ारे कुछ और बया कर रहे हैं अभी ऊपर चढ़ने के बाद, अलग ही है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारी तो हवा टाइट हो रखी थी लेकिन अभी देखा मंदिर, देख लो आप मेरे तो फेस पे ग्लो, ग्लो कैसे आ रहा है मस्त एकदम। हमारे भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पर भैया की थोड़ी सी सांस बढ़ी हुई है लेकिन मजा आया, मस्त है। जिसको आना है आओ, मौज करो भैया। दोस्तों आप पीछे का नजारा देख रहे होगे, कितना प्यारा नजारा है और धूप एकदम खिलखिली निकली हुई है और अभी बज रहे हैं 5:45 और ऑलमोस्ट 200 मीटर का रास्ता रह गया है। हमने 2 घंटे में ये 5:30 या ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा किया है, काफ़ी कम टाइम में कर लिया है। भाई व्यू देख रहे हो आप, एक नंबर है। आपको कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा होगा बट यार इस वीडियो को मैं, इस व्यू को मैं क्या ही बोलूँ। चलो तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ टेम्पल, बहुत नीचे है। और बस यही सोच रहे थे कि कब आएंगे। बस वीडियोस और फोटोज में देखा था कि यार तुंगनाथ टेम्पल जाना है, देखना है कैसा है कैसा नहीं है, बट आज वो सपना पूरा हुआ। अभी हुआ नहीं है बट अभी ऊपर जाके बाबा को देखते हैं और बहुत मजा आ गया। तू ये रहा, 2 घंटे में आ गए जी, इतनी बुरी हालत होते हुए इतना बाबा को खिलवा दो, बहुत तेज खिलवा दो, 96 किलो वजन होते हुए 2 घंटे में आ गए, बहुत खिलवा दो। तो भाई लोगों ये सनसेट अभी हो रहा है और आप अगर क्लाइमेट और वेदर देखे ना और ये व्यू बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए आई लव दिस, नज़ारे के लिए मैं आया था। भोलेनाथ से मिलते हैं ड्राइवर से, तो दोस्तों ऑलमोस्ट तुंगनाथ बाबा के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, फीलिंग अपनी क्या कहते हैं आपको बता नहीं सकता अंदर से मैं क्या फील कर रहा हूँ, और मतलब कि यार मज़ा आ गया और यहाँ के नज़ारे यार कसम से यार एक नंबर। और अभी हम जा रहे हैं चंचला ट्रैक के लिए, अभी बज रहे हैं 6:30, तो ट्रैक करते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा, 1 किलोमीटर का है। तो भाई उधर जाना है, ऑलमोस्ट शाम हो गई है, अभी 500 मीटर का जाए ट्रैक। ओह टू मच टायर्डनेस, मुझे फ्लैश लाना पड़ेगा इसका। बस तो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं चंचला ट्रैक, पूरा कर लिया है हमने। काफ़ी मतलब हर्डल्स थे, मतलब मन तो था नहीं लेकिन फिर भी अंदर से एक भोलेनाथ ने शक्ति दी हमें कि आप कर सकते हो। सुमित की तबीयत ख़राब हो रही थी, सब लोग की तबीयत ख़राब हो रही थी लेकिन फिर भी हम ऊपर तक चढ़ आए। थैंक यू सो मच भोलेनाथ, आपने हमारे अंदर बिलीव दिखाया और हम यहाँ तक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई अभी 7:30 बज रहे हैं और हम चंचला ट्रैक पे बैठे हैं ऊपर चंचला पे, गोपेश्वर चामोली गंगा मिलने नियम
और ये देखिए, और ये हमारे पुजारी जी हैं। ऑलमोस्ट हम पता नहीं कितनी ऊंचाई पे, हमें खुद नहीं पता यार। ये पुजारी मल्टीपर्पज हैं। तो दोस्तों हमने काफ़ी मज़ा किया और बहुत इंजॉय किया, और मतलब तुंगनाथ ट्रैक एक सोचा था कि बस फोटोज वीडियोस में हमने देखा था कि तुंगनाथ ट्रैक कैसा है कैसा नहीं है कितना अच्छा है, बट आज हमने क्या कहते हैं देखा और मज़ा आ गया देख के ना। और चंसला ट्रैक भी हम सोच नहीं थे, हम सोच रहे थे कल हम करेंगे, बट हमने आज दोनों ट्रैक निपटा दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक वर्शिप हमें और ब्लेसिंग मिल रही है भोलेनाथ के द्वारा। तो आप लोगों को कैसा लगा यार ये ट्रैक? बहुत जैसे टॉर्च में अपने पर मार पा रहा हूँ भाई, मैं तो मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, एडवेंचरस, टायर्डनेस से भरा, बहुत बढ़िया ट्रैक था। आपको कैसा लगा सुमित सर? अच्छा लगा। मैं सभी से बोलना चाहूँगा, स्मोकिंग छोड़ें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आप दोनों ही चढ़ाई 3 से 4 घंटे में कम्प्लीट कर लेंगे। जैसे हमें शाम हो गई, इस तरह से नहीं होगा, अब तक तो हम शायद नीचे होते, लेकिन बाबा का आशीर्वाद, हिम्मत नहीं हारी, चढ़ते चले गए। जय भोलेनाथ, जय भोले। एक तुम्हारा रह गया जो भाई, ये ना वो हो गया, इनको दिखाओ भाई को, आगे आओ, इनके लिए तो पूरा बल्ब लाइट लाना पड़ेगा, पहले इतना भी काला नहीं हूं मैं। तो कैसा लगा आपको ट्रैक करके? अच्छा लगा भाई। ये तो यहीं मिल गए थे ना, इनसे भी पूछ रहे हो मतलब यहाँ आके जो व्यू था, हमने तो सुना था ना कि स्वर्ग यहाँ है स्वर्ग वहाँ है, बट आज जो देखा ना, स्वर्ग यही है, दिल खुश। मतलब यही हो रहा है कि इनसे जाना ही नहीं है, अपनी दुनिया यहीं चले जाते हैं। तो भाई ये चंचला ट्रैक, तो मैं यहाँ रैप अप करता हूँ। एक हमारे गुरुजी, 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 पुजारी जी, कैसा लगा आपको ट्रैक करके? हमको तो सबसे बड़ा गुरुजी और महसूस अपने आप को गर्वान्वित लगता है कि भगवान के सामने अगर भगवान को पूजा करने का मौका मिला। रोहित ने उच्च स्थान पर रखे, अंदर जमीन बुझ जाएगी नहीं तो हाँ बुझ जाएगी, इसको टिकली करके जलाऊ। तो दोस्तों ये ट्रैक मतलब ये ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, और आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। आपका भाई ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहेगा और आपको ऐसे मज़े दिलाते रहेगा। थैंक यू सो मच। ये डॉनी चाय वाला चैनल करने सब्सक्राइब, वरना मुंह में दे देंगे चोको। बोलो ओके, लाइक एंड थंबनेल, टोको 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 टोको।